आपकी तस्वीर छपी हुई है? हाँ। पक्का ही आपकी तस्वीर? हाँ। इस वक्त हम लोग कोलकाता के बहु बाजार इलाके में है, 71 मलिंगा नील, और ये विज्ञापन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये विज्ञापन पिछली 25 फरवरी को कोलकाता के लगभग सभी स्थानीय अखबारों में निकला, और यहाँ पर जो महिला दिखाई दे रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बंगाल, और इसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्मी देवी के हवाले से, जिनका नाम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे अपना घर मिला है, मेरे सर के ऊपर मुझे छत मिली है, और बंगाल में प्राय 24 लाख परिवार आज आत्मनिर्भर हैं। तो हम पहुंचे हैं इनकी तलाश में, काफी मुश्किल हुई ये जगह खोजने में, और यही लक्ष्मी देवी हैं हमारे साथ जिनकी तस्वीर छपी हुई है। आपकी तस्वीर छपी हुई है? हाँ। पक्का ही आपकी तस्वीर? हाँ। है? कब लिया गया था तस्वीर, कुछ पता है? ए ना बाबू, हम काम कर रहे थे बाबू घाट में, 14 का 15 का काम खत्म हो गया था, जो नहीं गंगा सागर का मेला लगते हैं उसी में काम कर रहे थे, हमको कुछ पता नहीं है, बाथरूम में काम कर रहे थे ड्यूटी, हमको कुछ मालूम नहीं है सब फोटो का बारे में। इसमें दिया है कि आपको अपना घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मिला है क्या? कोई बातचीत नहीं है। आपका कोई घर जहाँ, कहाँ रहती हैं आप, दिखाइए। तो हाँ, दिखाइए दिखाइए, चलिए हम देखते हैं ये कौन सा घर है। ये क्या आपका घर है? भाड़ा घर है, किराए का घर है। कितना रुपया भाड़ा देती है? 500। 500 रुपया भाड़ा, लेकिन यहाँ पर तो दिखा है कि आपको अपना घर मिल गया है प्रधानमंत्री। नहीं मिला है? नहीं, नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर नहीं मिला है, लक्ष्मी देवी का कहना है। और ये जो किराए का घर है, बड़ा छोटा घर है, शायद 5x5 या 6x6 का घर है। कितने लोग रहते हैं इस घर में? देखिए सब बहू लोग रहते हैं, बच्चा है, लड़का लोग। कुल कितने लोग इस घर में रहते हैं? कुल हम लोग हाँ 5-6 आदमी है। 5-6 आदमी रहते हैं, बच्चा लेकर 6 आदमी, मेरा लेकर 7 आदमी। 7 आदमी। आप क्या, हम तो बाहर में सो जाते हैं, बच्चा लोग रहता है। छत नहीं है आपकी? नहीं नहीं, तो जो है जो मेरा किराया का, इसमें सो भी नहीं पाती, इतना छोटा है, कैसे सोएगा बाबू? फिर पानी उनी पड़ता था इधर से, चूता उधर, तो ऐसे में आपसे बिना कुछ पूछे ये सब दे दिया गया? बिना पूछे, जो अगर हमको घिसता ना हम उसको भी पकड़ते कि किस लिए मेरा फोटो खींच रहे हैं, हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम जान नहीं रहे। जब सो के उठे, सब फोटो खरीदा है, सो के उठे हैं तो सभी बोल रहा आपका पेपर में फोटो आया, तो हम घबरा गए, अरे मेरा कहाँ आएगा फोटो, ना बात ना चीत है, तो देख रहे तो सही में फोटो है। तो हम फिर एक हफ्ता हम चिंता कर दिए कि काहे मेरा फोटो दिए। आपने बीजेपी दफ्तर में बात की, पता किया, कहा कि ये तो मेरे को, तो मुझे तो मिला नहीं है? अभी हम बात नहीं की है। नहीं बात की? हम तो हम न पढ़ा न लिखा, हम सबके बारे में जानते भी नहीं है कुछ, बिल्कुल इनको कुछ भी मालूम नहीं है इस इश्तेहार के बारे में, विज्ञापन के बारे में। इनका जो घर है ये भी किराए का घर है, और कम से कम 5-6 लोग इस छोटे से कमरे में रहते हैं, हम अंदर भी नहीं घुस पा रहे हैं। जो स्थिति परिस्थिति है यहाँ पर, सिर्फ एक छोटी सी पलंग है जो मैं किसी तरह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा ही छोटा दरवाजा है, तंग दरवाजा है, और इस तंग दरवाजे के भीतर एक छोटा सा फ्रिज हमें देखने को मिल रहा है, कुछ 2-4 चीजें हैं, लेकिन कमरा बेहद छोटा है, और इस इतने से छोटे कमरे में 5 से 6 लोग यहाँ रहते हैं। कितने लड़के बच्चे हैं आपके? मेरा 3 लड़का। 3 लड़के हैं और 2 बहू हैं? हाँ 2 बहू, लड़की लोग अपना अपना शादी होगी। अच्छा, इसमें कम से कम आप समझ रहे हैं, इतने से रूम में लक्ष्मी देवी रात में यहाँ सोती भी नहीं है, वो बाहर सोती हैं फुटपाथ पे, जहाँ उनके सर के ऊपर कोई छत नहीं है, लेकिन विज्ञापन में दावा किया गया है कि इनके सर के ऊपर छत है, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिला है, लेकिन ये कतई सही नहीं है। हमने जब पड़ताल की तो पाया कि बहु बाजार की इन तंग गलियों में जो मकान है जिसमें लक्ष्मी देवी रहती हैं, वो किराए का है, 500 रुपये किराया वो देती हैं, और उस कमरे में 5-6 लोग रह भी नहीं पाते ढंग से, रात में सो नहीं पाते हैं, लक्ष्मी देवी को बाहर सोना पड़ता है।